खतरे की घंटी। आज संसार एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा है कि कुछ और आगे बढ़ने पर सर्वनाश निश्चित है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अब इस मोड़ से उसकी वापसी लगभग असंभव है। संसार इस मोड़ तक कैसे पहुंचा, इसकी एक लंबी कहानी है, और यह प्रारंभ होती है मनुष्य की लिप्सा से, उसकी कभी न मिटने वाली भूख से। इसी भूख ने अपने समय के भीषणतम देवासुर संग्राम कराए। इसी के कारण राम रावण और कौरवों पांडवों के बीच युद्ध हुए। कालांतर में इसी से प्रेरित होकर पाटलिपुत्र के सम्राट बिंबसार ने वैशाली के प्राचीन गणतंत्र का विनाश किया, और कुछ समय पश्चात यूनान का बादशाह सिकंदर विश्व विजय की कामना के साथ फारस, ईरान, मिस्र और भारत पर बिजली की तरह टूट पड़ा। इसके बाद रोमनों को इस भूख ने सताया तो उन्होंने सारे यूरोप को और मिस्र को अपने घोड़ों की टापों से रौंद डाला। आगे बढ़कर अरबों ने पूर्व में भारत और पश्चिम में स्पेन तक अपनी तलवारों की चमक से लोगों को आतंकित किया। मनुष्य की सब कुछ हड़पने की लिप्सा के कारण सिकंदर विश्व विजय के अभियान से लेकर 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक संसार में छोटे बड़े अनेक युद्ध हुए। इन युद्धों में अनगिनत लोग मारे गए, कई संपन्न नगरों का वैभव उजड़ा और कई नगरों का नामो निशान तक मिट गया। अनेक राज्य बने और मिटे। इतना विनाश होने पर भी मनुष्य की अक्षय भूख न मिटी, प्रत्युत दिनों दिन और भी भड़कती गई, और इसका कारण था 15वीं शताब्दी में यूरोप में जागरण की एक लहर, जिसे पश्चिमी इतिहासकारों ने रेनेसा नाम दिया है। यूरोप में जागरण की लहर का सूत्रपात किया एक जर्मन पादरी ने, जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने धार्मिक पाखंडों और सड़ी गली रूढ़ियों का जमकर विरोध किया। जागरण की यह लहर धीरे धीरे सारे यूरोप में फैल गई। इससे लोगों में लीक से हटकर सोचने की एक विशेष तर्क शक्ति जागृत हुई। वे हर बात में कार्य कारण संबंधों की खोज करने लगे। अपनी इसी चेतना के बल पर उन्होंने नाना प्रकार के प्राकृतिक सिद्धांत ढूंढ कर निकाले, जिनके बल पर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए। यह वैज्ञानिक युग का प्रारंभ था। इन आविष्कारों में सबसे उपयोगी आविष्कार था भाप की शक्ति का। भाप की शक्ति से इंजन चला, इंजन से रेलगाड़ियां, स्टीमर, रोड रोलर, फ्लोर मिल के अनेक कल कारखाने चालू हो गए। इससे श्रम और समय की बचत हुई और धड़ाधड़ उत्पादन हुआ। धड़ाधड़ उत्पादन से यूरोप का बाजार माल से पट गया। इस प्रकार यूरोप में एक यांत्रिक चेतना उत्पन्न हुई। इस यांत्रिक चेतना ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ता गया और औद्योगिक क्रांति भी परवान चढ़ती गई। वर्तमान युग को औद्योगिक युग कहना गलत न होगा। आज उद्योग धंधे ही किसी राष्ट्र की संपन्नता की कुंजी बनते जा रहे हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, तरह तरह के उद्योग धंधों से तैयार माल से यूरोप की मंडियां पट गईं। इसकी खपत के लिए यूरोप का बाजार कम पड़ने लगा। फलतः यूरोप से बाहर बाजार की खोज के लिए नए नए देशों की खोज का सिलसिला चालू हुआ। कुतुब नुमा के आविष्कार ने इस काम को और सरल बना दिया। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा नए देशों की खोज का प्रमुख लक्ष्य था भारत। भारत का रेशम, गरम मसाले, मोती मूंगा आदि रत्न और महीन सूत के थान यूरोप की विभिन्न मंडियों में स्थान पा चुके थे। भारत की काली मिर्च के लिए तो सारा यूरोप पागल था, परंतु स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार जोखिम से भरा था। अतः यूरोपीय नाविकों में समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचने का मार्ग खोजने की होड़ लग गई। फलस्वरूप सन 1487 में डियाज नामक एक पुर्तगाली नाविक ने अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण की ओर चलकर इस विशाल भूभाग के दक्षिणी छोर का पता लगाया। सन 1442 में कोलंबस ने भारत की खोज के सिलसिले में अन्य अपरिचित विशाल भूभाग का पता लगाया,
जिसे अमरीका नाम दिया गया। सन 1498 में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना बेड़ा उतारा। अब सारी दुनिया यूरोपीय नाविकों की मुट्ठी में थी। यूरोप के ये दुस्साहसिक नाविक संसार के समुद्रों पर छा गए। इसके बाद की कहानी यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में छल बल से अपने उपनिवेश स्थापित करने की कहानी है। इनमें अमेरिका तो अंग्रेजों के चंगुल से शीघ्र आजाद हो गया, शेष उपनिवेश भारत के स्वतंत्र होने के बाद आजाद हुए। 4,450 वर्षों तक यूरोपीय देशों ने अपने अधिकृत उपनिवेशों को जी भर कर लूटा खसोटा। उनके खेतों से, जंगलों से और उनकी खानों से प्राप्त कच्चा माल सस्ते से सस्ते भावों में खरीदा, फिर उससे अपने कारखानों का पेट भरा और उनसे जो माल तैयार हुआ उसे महंगे से महंगे दामों में उन्हीं उपनिवेशों के बाजारों में बेचा। आज आजाद होने के बाद भी एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश पुनः उसी कुचक्र का शिकार हो रहे हैं। अनेक बाजार पर औद्योगिक और यांत्रिक कुशलता की दृष्टि से उन्नत संपन्न देशों का अधिकार है, जिससे निकट भविष्य में मुक्ति मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। सच तो यह है कि औद्योगिक उन्नति से उत्पन्न संपन्नता से यूरोप और अमेरिका में एक विशेष प्रकार की संस्कृति पनपी है, जिसे सुविधा के लिए हम पश्चिमी संस्कृति कह सकते हैं। यह संस्कृति शोषण और दोहन की संस्कृति है। यह संस्कृति इतनी खाऊ है कि पृथ्वी पर विद्यमान सारे जीव और उस पर उगने वाली वनस्पति, उसके गर्भ में विद्यमान सारा खनिज, समुद्र के सारे जीव जंतु और आकाश के सारे पक्षी खाकर भी उसकी भूख मिट नहीं पा रही है। यही नहीं, उसके पसारे हुए पैरों के लिए पृथ्वी की विशाल शम्मा भी छोटी पड़ गई है और अब इस संस्कृति में पला बढ़ा मानो अन्य बसने योग्य ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। हम यूरोप और अमेरिका की बात छोड़ दें और देश की बात करें तो हम आज इसी भोग संस्कृति के व्यामोह में फंस गए हैं। हमने अपने प्यारे देश का वनस्पति वैभव उजाड़ दिया है, हरे भरे पहाड़ नंगे कर दिए हैं, वन उजड़ गए तो उनमें विचरने वाले पशु पक्षी भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। कई दुर्लभ प्रजातियां तो बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। वन क्षेत्र निरंतर घटते जा रहे हैं। इससे वर्षा कम हो गई है, होती भी है तो मेंढक नहीं टर्राते। लोग चीनी डिशेस के स्वाद में मेंढकों को खा गए। वैज्ञानिक परीक्षणों के नाम पर सांपों, मेंढकों, तितलियों, बंदरों और खरगोशों, चूहों को मौत का परवाना थमा दिया गया है। इधर वन क्षेत्र कम होने से वर्षा में भी कमी आ गई है तो उधर पहाड़ों पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पहाड़ खिसकने लगे हैं। वन रेगिस्तान के फैलाव को भी रोकते थे, अब रेगिस्तान सुरसा की भांति मुंह फैलाए धरती की हरियाली को लीलते हुए आगे बढ़े आ रहे हैं। सादा जीवन और उच्च जीवन के भाव अब थोथे भाषणों या पत्र पत्रिकाओं के लेखों तथा पाठ्य पुस्तकों के पाठों तक सीमित रह गए हैं। व्यवहार तथा आचरण से न सादे जीवन का संबंध रहा है न उच्च विचारों का। फलस्वरूप लोगों की भोग वृत्ति बढ़ गई है, लिप्सा बढ़ गई है, उन्हें थोड़े से संतोष नहीं रहा है। वे आज ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। धरती को यूरिया की खाद खिला खिलाकर उससे फसलों पर फसलें लेकर उसे वंध्या बना दिया है। अगली पीढ़ी जाए जहन्नुम में, इसकी उन्हें चिंता नहीं, उन्हें तो अपने भोगों की चिंता है। भोग की सनक में लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब धनी लोग गंगोत्री यमुनोत्री में पिकनिक मनाते हैं, वहां टनों कूड़ा कबाड़ छोड़ आते हैं। उससे नदियों का पानी दूषित हो गया है, वाहनों के आने जाने से कार्बन की मात्रा बढ़ गई है, ग्लेशियर पीछे खिसकने लगे हैं। गंगा यमुना के स्रोत कब बंद हो जाएं कहा नहीं जा सकता। इस मानसिकता के साथ साथ दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या कोढ़ में खाज सिद्ध हो रही है। इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहरों कस्बों में कारखाने ही कारखाने खुल गए हैं। इससे बस्ती का वातावरण दूषित हो गया है,
ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है, कारखानों का गंदा विषैला पानी नदियों को दूषित कर रहा है, नदियों का दूषित पानी समुद्र को भी दूषित कर रहा है, जिससे समुद्री जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ गया है। वन क्षेत्रों के विनाश से और बढ़ते हुए प्रदूषण से ऑक्सीजन की कमी हो, विशेषकर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों में। इस प्रकार जल और वायु दोनों प्रदूषित हो गए हैं। वनस्पति और औषधियों यानी जड़ी बूटियों का सर्वथा लोप हो चला है। जो शेष हैं, उनका अमृत तत्व नष्ट हो गया है। विकास के नाम पर हमने प्रकृति का श्रृंगार उजाड़ कर रख दिया है। उसका संतुलन बिगड़ गया है, उसकी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। वह कब कुपित हो उठे कहा नहीं जा सकता। जो दशा हमारे देश की है, लगभग वही सारे विश्व की है। सब आज की चिंता में जी रहे हैं, कल की किसी को चिंता नहीं है। कल कारखानों, रेलगाड़ियों, मोटर ट्रकों, कारों, बसों तथा दोपहिया तिपहिया वाहनों द्वारा विसर्जित कार्बन से सारा वातावरण विषाक्त हो उठा है। फलतः लोग तरह तरह के घातक रोगों के शिकार हो रहे हैं। इधर धरती का कवच नष्ट हो गया है तो उधर आकाश का कवच फट गया है। विकसित देशों को, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, इसकी कतई चिंता नहीं है। 1992 में जून के महीने में दक्षिणी अमेरिका के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी पर फैलते जा रहे प्रदूषण की रोकथाम पर विचार करने के लिए 172 देशों का एक सम्मेलन हुआ। उसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने गर्वपूर्वक घोषणा की थी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अपने राष्ट्र की आर्थिक दशा के हित में प्रदूषण फैलाने का अधिकार है। धनी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही अपनी नीति निर्धारित करेंगे। गर्वीले देशों की ऐसी उक्तियों ने संसार को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वनों के विनाश का, जल और वायु के प्रदूषण का, खनिज पदार्थों के दोहन का, पशु पक्षियों, कीट पतंगों और स्थलीय तथा समुद्री जीव जंतुओं के अंधाधुंध विनाश का, और जीते जागते मनुष्यों को पल भर में मौत की नींद सुला देने वाले घातक शस्त्रास्त्रों के निर्माण का प्रमुख कारण पश्चिमी संस्कृति सभ्यता की अक्षय भूख है। दोहन, शोषण और विनाश पर पली बढ़ी यह संस्कृति अखिल मानव जाति और स्वयं अपने लिए भी घातक सिद्ध होगी। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कारण कि इस संस्कृति का सृष्टि के पोषण और संरक्षण से 3 से 6 का संबंध है। आज यह भोगोन्मुख संस्कृति संसार के सभी देशों पर हावी है। इसके सामने त्याग, संयम, पोषण और संरक्षण की विचारधारा अप्रभावी हो गई है, निरर्थक हो गई है। इसी का परिणाम है कि आज संसार ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है कि कुछ ऐसे आगे बढ़ने पर सर्वनाश निश्चित है। निश्चित इसलिए है कि अब बढ़ा हुआ कदम पीछे हटाना मुश्किल है। खतरे की घंटी रह रहकर बज रही है। अगर मनुष्य को अब भी सद्बुद्धि नहीं आई और उसने दीवार पर लिखा हुआ भविष्य लेख नहीं पढ़ा तो विधाता को दोष देना व्यर्थ होगा।